मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हार्टून स्किल सेंटर यमुनानगर नियर फाउंटेन चौक सेंटर कोड 034। स्टूडेंट्स, आपकी अकाउंट्स की क्लास में हम लोगों ने लास्ट अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट की थी, जिसमें हमने जर्नल एंट्रीज, लेजर, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन किए थे। साथ ही साथ हमने एक प्रैक्टिकल पार्ट में एक और क्वेश्चन किया था, जिसमें एक्सेल का क्वेश्चन था, और एक्सेल के भी मैं आपको दो तीन क्वेश्चन दे चुकी हूँ और प्रैक्टिस असाइनमेंट आपके पास ऑलरेडी गूगल क्लासरूम में शेयर हो चुका है। अब हम लोग आते हैं थोड़े से थ्रेटिकल पार्ट पे, जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, आपके सिलेबस में से ही है और जो एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है, और FA, CCFA और HDFA वाले स्टूडेंट सभी इनको लगा सकते हैं। और जो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी और जो क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, इनका आपको स्टडी मटेरियल गूगल क्लासरूम में भी मिल जाएगा आज की डेट में। सबसे पहले आते हैं, हमारे पास है पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हमारी क्यों यूज होती है, क्या पर्पस होता है? द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज टू एक्यूमुलेट एंड रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजिशन एंड कैश फ्लो फॉर बिजनेस, और एंड दिस इन्फॉर्मेशन इज देन यूज टू रीच द डिसीजन एंड हाउ टू मैनेज बिजनेस। अब देखिए, कहाँ कहाँ पे हम इसका पर्पस क्यों, इसको बनाते क्यों हैं, कि आपको अपने बिजनेस की पोजिशन पता लगे, फाइनेंशियल पोजिशन पता लगे, और परफॉर्मेंस आपकी छोटे से लेके ऊपर तक जितने भी उसमें इन्वॉल्व हैं, इंडल्ज हैं, एम्प्लॉयज हैं, क्लर्क्स हैं, और उसके बाद मैनेजर हैं, एज वेल एज आपके ओनर्स भी, तो परफॉर्मेंस आपकी रिलेटेड टू एवरीवन आपको पता लगती है विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग ओनली। कि जब आपके पास डाटा मॉनिटरी टर्म्स में रिकॉर्ड होगा, आपके पास रिकॉर्ड बने रहेंगे, तभी आप उसमें कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। अदरवाइज वर्बली आप देखें तो किसी भी चीज का डिसीजन निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह से जो कैश फ्लो है बिजनेस के, वो भी आपके विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग आप उसको अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं, कि कैश का जो इनफ्लो है, आउटफ्लो है, जब आप अपने अकाउंट्स को एक्सप्लोर करते हैं, एनालिसिस करते हैं, स्टडी करते हैं, तो आपका, क्योंकि आप अकाउंटिंग कर रहे हैं या बिजनेस में जब भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपका सारा फोकस कहाँ पे होता है, कैश पे। क्योंकि जब एक बिजनेस सेटअप किया जाता है, तो उसका फाइनल गोल ही प्रॉफिट अर्निंग होता है, तो आपके कैश फ्लोज भी अच्छे से आपको पता चलते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद आता है कि इन्फॉर्मेशन हम किस लिए यूज करते हैं, टू रीच द डिसीजंस एंड हाउ टू मैनेज द बिजनेस। कि जब बिजनेस में जैसे आप पिछले रिकॉर्ड से उसको एनालिसिस करके, उसको कंपेयर करके एक अच्छे डिसीजन के ऊपर आते हैं, जैसे लास्ट ईयर आपको लॉस हुआ या फिर आपकी एसेट्स का क्या वैल्यू निकली थी, इस साल हमें उन कमियों को कैसे भरना है, तो वो पहले आप रिकॉर्ड्स चेक करेंगे, अपने अकाउंट्स चेक करेंगे पिछले फाइनेंशियल ईयर के, और उसके बेस पे फिर अपने डिसीजंस को इम्प्रूव करके लेंगे। तो ये आपका डिसीजन व्यू पॉइंट से भी इम्पोर्टेंट है, और बिजनेस को मैनेज कैसे करना है और इन्वेस्ट कैसे करना है एंड लेंड मनी टू इट, कि आप इसमें आगे कितना पैसा इसमें लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप किसी को पैसा उधार में देना है, फाइनेंस अगर आपको लेंड करना है मनी, तो क्या आपका बिजनेस उसके लिए कैपेबल है या नहीं। तो बहुत सारे हमारे फाइनेंशियल रिलेटेड टर्म्स, जितने भी डिसीजंस हैं, वो आप अकाउंटिंग की हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, हमने डिस्कस करनी है अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल जो कि हम प्रैक्टिकल पार्ट कर चुके हैं, जो मैंने अभी आपको क्लास शुरू होने से पहले भी डिस्कस की थी। अब उसमें है क्या क्या किया था, हम इसको थ्योरेटिकल व्यू पॉइंट से देखते हैं। द सीक्वेंस ऑफ सिक्स स्टेप्स इन प्रोसेसिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सिक्स स्टेप्स इसमें कौन से हैं, फ्रॉम द टाइम दे अकर टू देयर इंक्लूजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, एनालाइजिंग द ट्रांजैक्शन एज दे अकर, रिकॉर्डिंग देम इन जर्नल्स, पोस्टिंग डेबिट्स एंड क्रेडिट्स फ्रॉम जर्नल एंड एंटर्स इनटू लेजर, एंड एडजस्टिंग द एसेट्स विद द ट्रायल बैलेंस, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देन क्लोजिंग द टेंपरेरी अकाउंट्स। सबसे पहले हमने क्या किया, एनालाइज किया था ट्रांजैक्शंस को जैसे ही वो होती हैं। अब यानी कि अब ट्रांजैक्शन कैसे हैं, पहले ये देखें कि जब आपके पास सपोज सेल या परचेज के बिल आए, सेल आपने यहां से बिल काट के दिए, ठीक है, आपके डेली बेसिस पे जा रहे हैं, परचेजेस जो आपके पास पार्टी के बिल आ रहे हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, जो या फिर मैं बात करूं, जो एक फ्रेशर लेवल पे कैंडिडेट होता है, जो उसको एंटर कर रहा होता है, वो पहले उसकी ट्रांजेक्शन बना लेता है। कई लोग जो एक्सपर्ट्स होते हैं, अगर मैं सीनियर अकाउंटेंट्स की भी बात करूं, तो वो बिल से डायरेक्ट ट्रांजेक्शन लेके उसको एंटर कर लेते हैं अपने सॉफ्टवेयर में या फिर अपने मैनुअल अकाउंट्स में, लेकिन आप उसको एक ट्रांजेक्शन के फॉर्म में रिपोर्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। जैसे मेरे पास फर्स्ट पॉइंट है एनालाइजिंग द ट्रांजेक्शंस, जैसे आपके पास कोई परचेज का बिल आया, तो आपने पूरी ट्रांजेक्शन बना ली कि ये इसका बिल नंबर है, ये इसकी डेट है, ये पार्टी का नाम है, और ये इतनी आइटम्स आई हैं इसमें, और इसके ऊपर इतना टैक्स लगा हुआ है, और कितने टाइम के अंदर आपने पेमेंट करनी है, यानी कि उस
बिल को पूरे का पूरा एनालाइज करके एक ट्रांजेक्शन की फॉर्म देना। उसके बाद सेकेंड स्टेप मेरे पास आता है रिकॉर्ड देम इन जर्नल्स। जब आप इसको एक ट्रांजेक्शन में बना लेते हैं, जैसे कि आपको याद होगा जब मैंने आपको जर्नल एंट्रीज करवाई थी क्लास में, तो हम लोग किस बेस पे करते हैं, ट्रांजेक्शन की बेस पे। मैं आपको बिल तो नहीं देती उसमें किसी भी कंपनी के कि इस बिल में से एंटर करो, मैं आपको क्या देती हूँ, ट्रांजेक्शन। तो अभी हमने क्या किया, उससे जो इनिशियल स्टेप था उस बिल को हमने एनालिसिस करके ट्रांजेक्शन बना ली। उन ट्रांजेक्शन के बेस पे फिर हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड देम इन जर्नल्स, जर्नल बनाते हैं, यानी कि जर्नल एंट्रीज। जो कि अगर हम मैनुअल की बात करें तो आपके पास एक जर्नल का परफॉर्मा होता है, जो मैंने क्लास के स्टार्टिंग पॉइंट पे मैंने डिस्कस किया था कि जिसमें डेट्स हैं, आप जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं, नरेशन डाल रहे हैं, डेबिट क्रेडिट कॉलम होता है। तो जैसे ही हमारी ट्रांजेक्शंस या इवेंट्स होते हैं उसके बेस पे ये बिल्कुल सीक्वेंस में डेट वाइज चलता है जर्नल। और अगर मैं प्रैक्टिकल टैली की बात करूं तो टैली में ये जर्नल आपका डे बुक में शो होता है, जिसमें आपकी डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज शो करता है। मार्केट में अगर आप देखेंगे तो आपको डे बुक ऐसे ही मिलेगी जैसे हम टैली में बात करते हैं, तो उसका मैनुअल जो परफॉर्मा है बिल्कुल एज इट इज ही होता है, जिसमें हम अपने जर्नल्स रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद आता है मेरे पास पोस्टिंग, थर्ड पॉइंट, यू कैन सी पोस्टिंग डेबिट्स एंड क्रेडिट्स फ्रॉम जर्नल एंट्रीज इनटू जर्नल लेजर। अब देखिए इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, एक आ रहा है जर्नल, एक आ रहा है जनरल। तो उसमें देखें जो हमारे जर्नल्स होते हैं जिनमें हम जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे हैं वो अलग है। उसके बाद उन जर्नल एंट्रीज को, सपोज मेरे पास जैसे परचेज टू पार्टी है, उन स्पेसिफिक एंट्रीज में से स्पेसिफिक लेजर उठा के हमने सेपरेट बनाने होते हैं, अलग अलग लेजर्स मेंटेन करने होते हैं। तो वो हमारा किस में आता है, थर्ड पार्ट में, जिसमें हम उनके डेबिट क्रेडिट्स अलग अलग लेके एनालिसिस करके उनके अमाउंट्स निकालते हैं, पर्टिकुलर जर्नल एंट्री में इंडिविजुअल लेजर लेके उनको बनाना। फोर्थ आता है मेरे पास एडजस्टिंग एसेट्स विद द ट्रायल बैलेंस। उसके बाद आप उन जर्नल्स में से क्या करते हैं, जब उनकी अल्टीमेट बैलेंसेस बचते हैं तो उसमें से हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या करता है, जो हमारे लेजर्स के अल्टीमेट बैलेंसेस होते हैं, फाइनल अमाउंट्स होते हैं, उनकी पोस्टिंग को हम डेबिट और क्रेडिट में शो करके फिर उनका टोटल इक्वल रखते हैं। प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से फिर हम क्या बनाते हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, जो कि हम पीछे कर चुके हैं, दैट इज ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये हमारे फाइनेंशियल्स का पार्ट है। और फिर उसके बाद हम जो हमारे टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं उनको हम क्लोज कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमें डिफरेंस देखना है एक जर्नल और लेजर में क्या डिफरेंस होता है। देखिए सबसे पहला पॉइंट है मेरे पास कि द बुक इन विच, मीनिंग पे आते हैं कि बेसिस ऑफ फॉर कंपैरिजन, कि किस बेस पे हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, पहले मीनिंग के बेस पे क्या डिफरेंस है। द बुक इन विच ऑल द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे अराइज इज नोन एज जर्नल। और लेजर में द बुक विच इनेबल्स टू ट्रांसफर ऑल द ट्रांजेक्शन इन टू सेपरेट अकाउंट इज नोन एज लेजर। इस पॉइंट को मैंने ऑलरेडी डिस्कस अकाउंटिंग साइकिल में मैं आपको बता चुकी हूँ, वही हमारे डिफरेंस में है कि जो जर्नल है, जैसे ही हमारे इवेंट्स अराइज होते हैं, जैसे ही ट्रांजेक्शंस अराइज होती हैं, हम साथ के साथ जर्नल में से पोस्ट करते हैं और इसको जर्नलाइजिंग करना कहते हैं। लेजर में हम क्या करते हैं कि जिनमें ट्रांजेक्शन में से आप अकाउंट्स को फिल्टर करके सेपरेट सेपरेट अकाउंट्स में दिखाते हैं, जिन्हें लेजर कहते हैं। उसके बाद सेकेंड है कि यह है क्या, व्हाट इज इट। जर्नल इज अ सब्सिडरी बुक एंड लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक। अब ये होते क्या है, सब्सिडरी बुक यानी कि जिसमें इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनली जिसमें आप सबसे पहले एंट्री पास करते हैं। और प्रिंसिपल बुक क्या है, जिसमें आप क्या करते हैं, अकाउंट बाय अकाउंट टाइप, यानी कि प्रिंसिपली उनको स्पेसिफिकली प्रिंसिपल, यानी कि उनको प्रेफरेंस एक अकाउंट को देके अकाउंट बाय अकाउंट टाइप में आप उनको मॉनेटरी यूनिट्स में उन्हें रिकॉर्ड करके, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके फिर उनका टोटलिंग करना इज कॉल्ड प्रिंसिपल बुक। उसके बाद जर्नल इज नोन एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर इज नोन एज बुक्स ऑफ सेकेंडरी एंट्री, क्योंकि इसमें प्राइमरी होती है, इसमें सेकेंडरी एंट्रीज होती है। उसके बाद आता है जर्नल इज अ रिकॉर्ड ऑफ दैट इज अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड इट इज अ एनालिटिकल ऑर्डर। अब इसमें क्या है कि जिसमें आप क्या करते हैं, एक सीरीज ऑफ इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि जैसे जैसे आपके इवेंट्स हो रहे हैं आप उनको रिकॉर्ड करते जाएंगे। और एनालिटिकल में क्या करते हैं, जिसमें एक लेजर सिंगल परफॉर्म करता है, यानी कि इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे। कॉम्प्रिहेंसिव की मैं बात करूं, यानी कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरह से आप इसको एनालिटिकल रिकॉर्ड इसलिए बोलते हैं। उसके बाद जर्नल का प्रोसेस कैसे चलता है, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन टू जर्नल इज नोन एज जर्नलाइजिंग।
इनमें जब हम जर्नल एंट्रीज को कुछ पोस्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते क्या है, जर्नलाइजिंग करना। ऐसे ही उस जर्नल से जब हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। देन जर्नल, हाउ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, जर्नल में क्या होती हैं, सीक्वेंशली रिकॉर्ड होती हैं और इसमें अकाउंट वाइज होती हैं। आप सीक्वेंशली की अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे इवेंट्स हो रहे हैं सीक्वेंस टू सीक्वेंस, हम इसको डेट वाइज चला के चल रहे हैं। और लेजर में अकाउंट वाइज, यानी कि आप इसका जब मार्केट से लेजर देखेंगे, इसकी जो बुक होती है उसमें बाहर अल्फाबेटिकली जो इंडेक्स बना होता है, हम इसको अकाउंट वाइज चढ़ाते हैं। जैसे एक पार्टी है मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप बाहर इंडेक्स में उसका एम वाले को ओपन करके उसमें उसका नाम डालेंगे और उसका जो जिस भी पेज नंबर पे वो होगा वहां पे मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स एक बनाया जाएगा, उसके अंदर सारी एंट्रीज आएंगी, उसके अंदर उससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सब आप रिकॉर्ड करते जाएंगे। दैट मीन्स इसमें लेजर जो है वो अकाउंट वाइज बन गया। नेक्स्ट है उसमें जर्नल में क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट के कॉलम्स होते हैं, इन्हें हम कॉलम्स बोलते हैं, लेकिन लेजर्स में हम इनको साइड्स बोलते हैं। और जर्नल में क्या है, नरेशन इज मस्ट, लिखनी जरूरी है, लेकिन लेजर में लिखनी जरूरी नहीं होती। उसके बाद जर्नल में क्या है, जो बैलेंसिंग है, नीड नॉट टू बी बैलेंस्ड, इसमें आपको बैलेंस निकालना जरूरी नहीं होता, लेकिन लेजर्स में आपको बैलेंस निकालना जरूरी होता है। नेक्स्ट आते हैं अपने पास एडवांटेजेस ऑफ पेटी कैश बुक, क्या होते हैं इसके एडवांटेजेस। उससे पहले हम आते हैं कि ये पेटी कैश बुक होती क्या है। एक होती है कैश बुक जो हमने सिंपली की थी जब हमने अकाउंटिंग साइकिल की थी, कि जब ओरिजिनल कैश बुक बनाते हैं, लेकिन जैसे हमारा बिजनेस का कैश है जिसमें हमारे पास अभी पड़ा हुआ है 5 लाख 10 लाख, या जो बहुत बिग कंसर्न्स हैं तो उनका करोड़ में होता है, लेकिन बिजनेस क्या करता है, अब उनका जैसे क्लरिकल लेवल पे काम हो रहा है, या हम एडमिन की बात करें या उनके रिसेप्शन वाले उधर की बात करें जहाँ पे उनका कैश मैनेज हो रहा है, अब उनको जो अपने रूटीन वाइज में जो एक्सपेंस करने होते हैं, डे टू डे जो एक्सपेंस करने होते हैं, तो वो अपने सारे कैश को नहीं छेड़ते कि उन्होंने अपने उस 10 लाख वाले लोकर को खोलेंगे और उसमें से कैश निकाल के खर्चा करेंगे। वो क्या करते हैं, अपने टोटल ऑल ओवर बिजनेस के कैश में से कुछ अमाउंट अलग निकाल के रख लेते हैं। जैसे बिजनेस का भी कैश है 10 लाख ऑल ओवर, उसमें से उन्होंने क्या किया, मंथली बेसिस पे उन्होंने 50,000 निकाल के रख लिए कि जिसमें से वो मंथली एक्सपेंसेस कर सकें। अब जो उस अकाउंटेंट या जो क्लर्क पे है, पोस्ट पे है, उसको क्या करना है, एक तो जो 10 लाख है उसका अलग से बनेगा, वो उसको मैनेज अलग से करेगा, और जो उसने 50,000 मंथली बेसिस के लिए निकाले हैं जिसको हम क्या कहते हैं, पेटी कैश, उसको वो अलग से मैनेज करेगा कि मेरे आज रूटीन वाइज में इस 50,000 में से कितना एक्सपेंस हो रहा है, यानी कि दैट इज अ फॉर्म ऑफ कैश बुक का पेटी कैश। अब इसी तरह जो चीजें मैंने आपको डिस्क्राइब की हैं आप देख सकते हैं, यही हमारे एडवांटेजेस होती हैं कि जिसमें यू कैन डेली कैश रिसिप्ट एंड डेली कैश पेमेंट्स आर इजीली रिकॉर्डेड, आप आराम से इसमें डेली कैश की रिसिप्ट्स और पेमेंट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैश इन हैंड एट एनी टाइम कैन इजीली बी असर्टेन थ्रू कैश बुक, जो आपके पास करंट कैश बचा हुआ है आप कैश बुक से आराम से उसको देख सकते हैं कितना बचा है। एनी मिस्टेक इन द बुक कैन बी इजीली डिटेक्टेड एट टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ कैश, अगर आप कैश की वेरिफिकेशन करते हैं और आपको अगर उसमें लगे कि कोई मिस्टेक है तो उस बुक में से आपको इजीली डिटेक्ट हो जाती है, क्योंकि बड़े अमाउंट को मैनेज करना इज टफ, अगर आपने उसका स्मॉल अमाउंट निकाला हुआ है तो उसको मैनेज करना इज क्वाइट इजी। एनी एनी इट्स डिफ्लेक्शन ऑफ अ मनी कैन बी डिटेक्टेड वेल वेरीफाइंग द कैश, कोई भी आपकी गलती है उसको आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। जब भी आप जैसे कि इवनिंग में जब आप उसको वाइंड अप करते हैं तो उस टाइम पे आपने बड़े अमाउंट को तो साइड पे रखा हुआ है, जितना आपके पास कैश कलेक्ट हुआ उस डेट में उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, जो आप है उसको साइमल्टेनियसली अपने अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो दोनों के साथ मैच करना बहुत इजी होता है छोटे अमाउंट वाले कैश को। सिंस कैश इज वेरीफाइड डेली, कैश बुक इज ऑलवेज कीप अप टू डेट, क्योंकि आपका जो कैश है वो डेली बेसिस पे वेरीफाइड रहता है, इसीलिए जो आपकी कैश बुक है वो हमेशा अप टू डेट रहती है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने पास परचेज रिटर्न बुक, क्या होती है परचेज। जब आप परचेज कर रहे होते हैं तो एक तो उसकी परचेज फाइल बनती है, परचेज रजिस्टर बनता है जिसमें आप सारी एंट्रीज कर रहे होती हैं, लेकिन इन केस ड्यू टू एनी डिफेक्ट, ड्यू टू एनी रीजन, आप उन गुड्स को जब रिटर्न कर रहे होते हैं तो पार्टी को उसका भी तो आपको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड रखना होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, पार्टी को जैसे डेबिट नोट इश्यू करते हैं, तो जो हमारा किसका पार्ट होता है परचेज रिटर्न का, उसकी एंट्री आप अलग से दिखाएंगे,
या फिर आप उसकी परचेज रिटर्न बुक अलग से बनाएंगे जिसमें आप उन गुड्स को एंटर करेंगे। क्योंकि अगर टैरिफ के व्यू पॉइंट से भी देखें तो अल्टीमेटली इसका स्टॉक के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है कि सपोज आपने 100 गुड्स आपके पास पड़ी नहीं है तो आपने अभी 10 गुड्स उसको रिटर्न किए तो उसका कहीं ना कहीं रिकॉर्ड आप रखेंगे जिसको आप परचेज रिटर्न बुक में एंटर करेंगे। नेक्स्ट मेरे पास आता है लास्ट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को आप कितने मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स? हमारे पास दो हैं, एक है टोटल मेथड और एक है बैलेंस मेथड। एक बार इसको स्टडी कर लेते हैं कि इसमें होता क्या है। यू कैन सी टोटल मेथड में अंडर दिस मेथड द टोटल ऑफ ईच साइड ऑफ अकाउंट इज शोन रिस्पेक्टिवली इन द डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। कि इसमें क्या है, जो हर अकाउंट की डेबिट और क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है उन्हें हम ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रोस ट्रायल बैलेंस भी कहते हैं इसको, और इसे टोटल मेथड कहते हैं। और बैलेंस मेथड में क्या है, एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स इन दिस मेथड द बैलेंसेस ऑफ ईच अकाउंट आर शोन इन द ट्रायल बैलेंस एंड द डेबिट साइड इज शोन इन डेबिट कॉलम एंड द क्रेडिट बैलेंस शोन इन क्रेडिट कॉलम ऑफ अमाउंट। इनमें हमने क्या करना होता है, लेजर के जो हर एक साइड के अकाउंट का टोटल नहीं लेना, उनका जो लास्ट में बैलेंस बचा होता है हमने वो लेना होता है। इसमें क्या था, हमने उसका हर साइड का टोटल लेना नीचे। इसमें क्या लेना है, जो डेबिट और क्रेडिट के साथ जो मैंने आपको थर्ड कॉलम करवाया था ना बैलेंस, इसमें सिर्फ बैलेंस बैलेंस उठाना होता है। तो ये वाला बैलेंस हम किस में पोस्ट करते हैं, ट्रायल बैलेंस में। तो स्टूडेंट्स इसी तरह हमारे पास जितने भी अकाउंट्स के प्रैक्टिकल्स हैं उनसे रिलेटेड जितने भी थ्योरी रहेगी वो भी हम अपने जूम क्लास में डिस्कस करते जाएंगे साइड बाय साइड। आप हमारे टच में बने रहिए और अपने नोट्स को अपडेट रखिए। ये जितने भी मैंने इसमें से आपको डिस्कस करवाया है ये सारे का सारा आपको गूगल क्लासरूम में भी मिल जाएगा। तो अपने अपने मैनुअल अकाउंट्स मैनुअल नोट्स भी अपडेट रखने हैं और अपने बाकी स्टूडेंट्स को भी अपने फ्रेंड्स को आप कन्वे करेंगे कि जूम क्लास में आप एक्टिव रहें, बने रहें और लाइव क्लासेस लगानी जरूरी होती है। ठीक है, नो डाउट आपको स्टडी मटेरियल बाद में मिल जाता है बट जो लाइव क्लासेस है उसमें एक अच्छे से डिस्कशन जो है वो किया जाता है, आपकी क्वेरीज भी हम लोग लेते हैं। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वो आप गूगल क्लासरूम में कमेंट्स में शो करेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप बता सकते हैं। थैंक यू।